हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनअमीज लेट्स क्रैक यूपीएससी सी हिंदी तो दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है फ्रेंड्स आई एम एस के शर्मा आई हैव है प्लस इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस टू टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू फोर टाइम्स यूपीएससी मीन देने के बाद आई ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पी एग्जाम एंड नाउ आई एम अनडमीज एजुकेटर तो देखिए दोस्तों अन पर आपको अकेडमी लर्निंग वीक चल रहा है जो कि आज रात 12 बजे तक रहेगा यानी कि आप अभी 12 बजे से पहले पहले एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ सब्सक्राइब करते हो तो आपको महासब्सक्रिप्शन ऑफर मिलेगा यानी कि एक साल के सब्सक्रिप्शन में मीन्स 2022 तक का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा ऐसे ही कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों सब्सक्राइब करते हो तो 35 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा साथ साथ में ऑप्शनल भी लॉन्च हो रहे हैं और जो बुक्स अन्य आपको देता है पेपर प्रिंटेड बुक्स जो आपको मिलती हैं वो अब हिंदी में भी अवेलेबल हैं उन सभी का फायदा भी आप उठा सकते हो तो ध्यान रखिएगा एस एस लाइव रेफरल कोड आपको यहाँ पर यूज करना है डबल एस लाइव तो जो कोर्स सतर हजार का है वो पैंतीस परसेंट डिस्काउंट के बाद में सत्तावन हजार में आपको अवेलेबल होगा तो बच्चों समझदारी वाली बात यही है कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लो तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा एंड गाइस ऑप्शनल भी काफी सारे चालू हो रहे हैं और अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी लेते हो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको पूरी टीम गाइड करती है या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों में ही आप एस एस लाइव रेफरल कोड यूज करें तो देखो सिंपल सी बात है बच्चा कि उनचास में तो आपको क्या मिल रहा है एक साल का कोर्स एस एस लाइव लगाओगे तो चवालीस हजार पांच सौ पचास में मिलेगा इससे अच्छा सत्तावन हजार में ऑप्शनल भी साथ में कर लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऐसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी ऑप्शनल को साथ में करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में साथ साथ कई नए बैचेस भी चालू हो रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हो या गुड इवनिंग एवरी वेरी वेरी गुड इवनिंग हाँ यहां पर एक बच्चे ने बोला है कि सर एनवायरमेंट मैराथन इकोनमी मैराथन का पीडीएफ कब मिलेगा पीडीएफ बच्चों आपको सभी संडे को अवेलेबल हो जाएंगे सारे पीडीएफ संडे को अवेलेबल हो जाएंगे और अब बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस भी लेने वाला हूं तो जितना भी हमने छह महीने का करंट अफेयर पढ़ा है जैसे कि मई का हमारा चल रहा है जैसे ही जून का आएगा मैं एक साथ आपको मैराथन में सभी चीजें रिवाइज करवा दूंगा यानी कि छह महीने का करंट अफेयर एक एक ही क्लास में रिवाइज हो जाएगा और ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट के करंट अफेयर रिवाइज भी होंगे क्वेश्चन भी होंगे ठीक है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे तो काफी सारी चीजें आने वाली हैं टीम अब बिल्कुल तैयार है कोरोना खत्म हो गया है लॉकडाउन का प्रभाव खत्म हुआ तो टीम आ चुकी है और उनकी रिसर्च तो काफी महीनों से चल ही रही थी पर अब वो रिसर्च फाइनल स्टेज पर है तो बहुत जल्दी आपको काफी अच्छी अच्छी क्लासेस देखने को मिलेंगी और हां यहां पर देखिए बच्चों सुबह मेरा दा हिंदू का सेशन आ रहा है तो दा हिंदू के सेशन में भी कई बच्चों ने कुछ मैसेजेस किए हैं कुछ सजेशंस हैं तो बच्चों अगर आपको कुछ कोई भी ऐसी चीज़ लगती है ना जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके कोई भी सुझाव हो कोई भी सजेशन हो मेरे किसी भी सेशन को लेकर तो उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं आप निसंदेह बिना किसी डर के बिना किसी हिजक के आप अपने सजेशन हमें फॉरवर्ड कर सकते हो अगर सजेशन अप्रोप्रिएट हुए डालने लायक हुए तो डेफिनेटली वो सजेशन आपको मिल जाएंगे हमारे अगले सेशनों के अंदर तो आप कोई भी हमारा सेशन हो चाहे ये अभी वार्षिकांक का हो या फिर सुबह द हिंदू करंट अफेयर्स का हो या फिर कोई और सजेशन हो तो बिल्कुल आप हमें हमारे टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है जिसे आप एट द रेट एस एस लाइव यूपीएससी से ज्वाइन कर सकते हो वहां से आपको हमारे कांटेक्ट्स मिल जाएंगे फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए आप सभी के सजेशन को फीडबैक्स को अपनाया जाएगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की और आज का पहला टॉपिक है हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है मैंडेटरी रिग्रेसिंग आफ्टर माइनिंग एस लगता है कि कुछ ज्यादा ही इन्होंने डार्क स्लाइड यूज कर दी इस वजह से आपको चीजें थोड़ा सा हेडिंग नहीं दिख रही बाकी सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा आपको पर इसको हम बोल देंगे तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया और उन्होंने कहा क्या कि मैंडेटरी रीग्रासिंग होनी चाहिए जब भी खनन होता है तो मैंडेटरी रीग्रासिंग की जाएगी अर्थात मतलब क्या है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को हर खनन पट्टे और पर्यावरण मंजूरी और खनन में एक अनिवार्य शर्त के रूप में खनन क्षेत्रों में फिर से घास काटने को भी शामिल करने की कहा है कि खासकर कई कई बार क्या होता है कि जब भी माइनिंग की जाती है तो बहुत सारे पर्यावरण के दुष्प्रभाव होते हैं और उन दुष्प्रभावों को लंबे टाइम तक ना रखा जाए तो रीग्रेसिंग करनी पड़ेगी रीग्रेसिंग का मतलब यह है कि आपके पुनः घास और कुछ जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो उगानी पड़ेंगी ताकि जो एनवायरमेंटल लॉस हुआ है जो पर्यावरण का हनन हुआ है वो कम हो सके तो इस वजह से ये सारी चीजें की गई हैं और ऑर्गाइज एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर इसी संदर्भ में आई है और वो क्या है कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या होते हैं अब आप सभी के मन में एक चीज जरूर आई होगी कि कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं जो कि खनन की वजह से उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले होता है अपर्दन इरोजन इरोजन या अपर्दन या कटाव जिसे कहते हैं वह सबसे पहले होता है तो इरोजन अपर्दन या जो कटाव है वह बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि तो मिट्टी अपनी जगह से हटती है भूमि अपनी जगह से हटती है जो कि सालों से वहां पर स्थिर है तो जब भी पानी होगा या आपके हवा होगी तो वो आसानी से हमारे भूमि का शरण कर देगी इरोजन कर देगी दूसरी बात सिंक होल्स बन जाते हैं सिंक होल्स का मतलब क्या है हमारे जो जगह जगह गड्ढे बन जाएंगे दलदली भूमि हो जाएगी उनमें छेद हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा अस्थिर भी होते हैं और कई कई बार दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं कभी कभार तो माइंस में ऐसा होता है कि अंदर की जो जहरीली गैसें हैं वो सिंखोल से निकल कर आ जाती हैं और मनुष्य और जन जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं तीसरी समस्या है जैव विविधता का नुकसान होगा क्योंकि जब भी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में कोई भी छेड़खानी की जाती है कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं साथ साथ खनन प्रक्रियाओं में रसायनों द्वारा मिट्टी भूजल और सतही जल का संदूषण भी होगा क्योंकि तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इंडिया के सामने है वाटर पॉल्यूशन की और जब भी हम माइनिंग करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स डालने पड़ते हैं जिससे पानी के अंदर आपके लैड यानी कि जो हमारा शीशा होता है वो चला जाता है लैड मरकरी कैडमियम ऐसे बहुत सारे हानिकारक पदार्थ आपके भूजल में चले जाएंगे साथ साथ पूरा सतह जल भी नष्ट हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा दुष्प्रभाव हमें यहां पर इन सभी चीजों की वजह से देखने को मिलेगा तो इट शुड बी रिमेंबर ओके गई तो कटाव खनन अपरधन सिंक होल बायोडाइवर्सिटी लॉस इत्यादि हो सकता है इस पर देखो आपका आई ए एस का क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मेंस का क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि मीन्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विभिन्न प्रकार के आधुनिकरण के चलते हुए हमें विभिन्न ऊर्जा स्रोतों हेतु बहुत ज्यादा मात्रा में खनन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो खनन के द्वारा हमारे जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या फिर जो आपके प्रभाव है उनका आकलन कीजिए वॉट इज द एस्टिमेट ऑफ दीज इंपैक्ट तो आप इन चार पांच पॉइंटों को डिटेल में लिख सकते हो और अपने आंसर को बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हो क्योंकि देखो क्या होता है देखने में तो हमें पता है कि माइनिंग से काफी सारे लॉसेस होते हैं पर जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमें सही बुलेट पॉइंट्स नहीं मिलते सही मेन बिंदु नहीं मिलते तो यहां से आप वो चार पॉइंट पॉइंट ले सकते हो चलिए इस अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा कि ये जो मैंडेटरी रिग्रेसिंग की गई है इसमें एक प्लान अपनाया गया है और वो प्लान क्या है माइन क्लोजर प्लान कि अगर खनन बंद भी होता है तो माइंस को कैसे क्लोज किया जाएगा क्योंकि तो कई कई लोग क्या करते हैं जैसे कि कोयले की खान खोदी जितना कोयला निकालना था निकाल लिया पर उसको खुला छोड़ गए तो उससे काफी सारा ब्लैक कार्बन सूट ये वायुमंडल में जाता है प्रदूषण करता है कुछ जहरीली गैसें भी निकल सकती हैं कोई प्राकृतिक आपदा को और भयावह बना सकती है ये चीज तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती हैं बहुत सी सरकारें और सरकारी संस्थान की माइंस को ढंग से कवर नहीं करती प्रॉपर माइंड क्लोजर प्लान नहीं अपनाती इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल गुणवत्ता प्रबंधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन और जो सरफेस सॉइल है शीर्ष मृदा प्रबंधन के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन एवं सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाते हुए माइंड क्लोजर प्रोग्राम लागू किया जाना चाहिए तो जब भी खनन कार्य समाप्त हो जाए माइंस को बंद करना हो तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा और फिर इन प्रावधानों के हिसाब से ही माइंस को क्लोज किया जाए क्योंकि माइंड क्लोजर प्रोग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा हमेशा एनवायरमेंट इंपैक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि माइन्स जब तक आपके चालू नहीं की गई हैं खोली नहीं गई हैं तो उससे पहले आसपास के जो लोग हैं उन्हें रिहेबिलिटेटेट करो यानी पुनर्निर्वासित करो उस जगह से कहीं दूसरी जगह आप स्थापित कर सकते हो ताकि उन्हें कई प्रकार की बीमारियां ना हो साथ साथ सारे के सारे प्लांट्स का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को ढंग से देखा जाए आफ्टर दैट माइनिंग के टाइम पर किस तरीके से भूमि शरण होगा किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है उन सभी के लिए रिसर्च एनालिसिस हो और पूरा काम किया जाए और आफ्टर माइनिंग माइनिंग के बाद में माइनिंग क्लोजर प्रोग्राम में इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखा जाए साथ, साथ माइनिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में जो नेचुरल स्थिति थी पहले उसे जल्दी से जल्दी कैसे लाया जा सकता है प्राकृतिक जो भी शरण हुआ है उसे वापस कैसे रिस्टोर कर सकते हैं वो सब देखा जाए तो इस तरीके से आपके तीन स्टेप के अंदर माइंस को वर्क करवाया जाएगा पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट के लिए पहले की कंडीशन भी देखो माइनिंग के दौरान भी देखो और उसके बाद भी देखो तो ये पूरे स्टेप फॉलो होने चाहिए ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसके अलावा गाइज और क्या क्या बातें हुई यहां पर तो ये बातें तो चलो सी आर जेड सॉरी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कर ही दी तो हम अपेक्षा करेंगे कि फ्यूचर में माइंस को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसे थोड़ा सा सुधारा जाएगा और ये समस्या आगे हमें देखने को नहीं मिलेंगी। पर मिलेंगीग इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए जैसे कि हमारे कुछ तटीय क्षेत्रों को सी आर जेड का ब्लू फ्लैग बीचेस का स... महत्व दिया गया ब्लू फ्लैग बीचेस क्या होते हैं तो देखिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों में कुछ ढील बरती है और इसीलिए इस ढील के दौरान तेरह नए समुद्री तट पर उपस्थित बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब यह है कि जो ये तेरह बीच हैं उन पर नियमन थोड़ा सा ढीला किया जाएगा और कई प्रकार की जो प्रणाली है कई प्रकार के जो व्यापार की चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अब इन तटों पर किया जा सकता है तो यहां पर तेरह ऐसे समुद्री तटों को 2019 में इंक्लूड किया गया तो कौन कौन से तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है गुजरात का शिवराजपुर बीच हमारे दमन दीव में दीव का गोघाला बीच ऐसे ही महाराष्ट्र का भोगावे बीच मीरामार बीच गोवा आपका जो कर्नाटका का, का पुडिबिद्री और कासारको बीच है ऐसे ही आपका लक्षद्वीप का है बंगराम दीप बीच और आपके केरला का है कोप्पाड़ बीच ऐसे ही उड़ीसा का एक गोल्डन बीच है सुनहरा बीच उसे भी सर्टिफिकेट मिला है ऐसे ही आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच और निकोबार अंडमान निकोबार का राधानगर बीच और इडन बीच है पुडुचेरी का और तमिलनाडु का है हमारा कोवलम बीच इन सभी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आखिरकार होता क्या है तो देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है ब्लू फ्लैग प्रवर्णन के लिए क्या करना पड़ता है पहले समुद्री तटों को पोर्टेबल टॉयलेट बना सकते हैं पहले तो देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे पर जिन तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है उनके नियमों में थोड़ी ढील बढ़ती जाती है और वहाँ पर पोर्टेबल टॉयलेट बन सकता है यानी कि एक ऐसा टॉयलेट जहाँ पर लोग अपने मलमूत्र का विसर्जन करेंगे और फिर उसके बाद में उसे कहीं और हम छोड़ सकते हैं उस अपशिष्ट का हम प्रबंधन कर सकते हैं तो पोर्टेबल बीच होगा साथ साथ में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लान भी लगेगा यानी कि जो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का ट्रीटमेंट प्लान है वो भी यहां पर लगेगा सौर ऊर्जा संयंत्र भी यहां लग सकता है लोगों के बैठने की सुविधा भी होगी टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा सीसीटीवी वगैरह निगरानी की भी की जा सकती तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ में तो यहां पर ये जो गतिविधियां हैं वह हाई टाइड लाइन से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बनाए रखने के अधीन होंगी यानी कि जहां पर समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है उससे 10 मीटर दूर आप ये सारे काम कर सकते हो उस हाई टाइड लाइन के 10 मीटर के अंदर के एरिया में आप नहीं करोगे क्योंकि वह समुद्र के पारिस्थितिकी के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है तो इसीलिए आप हाई टाइड लाइन के 10 मीटर के अंदर में नहीं जाएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके अलावा दोस्तों और क्या किया जाएगा इसके अलावा हाई टाइड लाइन की डेफिनेशन क्या है जमीन से वह रेखा जहां तक पानी की उच्चतम रेखा का ज्वार आता है जैसे कि देख सकते हो यह है हमारा समुद्र तट ठीक है ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है यह आपका समुद्र तट है और हमारा समुद्र तट की सीमा रेखा से बारह नॉटिकल माइल्स तक कितने नॉटिकल माइल्स तक बारह नॉटिकल माइल्स तक हम क्या करते हैं विनियमन कर सकते हैं किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है अनन्य किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड जेड आर्थिक क्षेत्र जो होता है वह बारह नॉटिकल माइल्स तक होता है तो वहां तक कोई भी देश क्या करता है निगरानी रख सकता है और यहीं से जब समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों की बदौलत जब ज्वार भाटे आते हैं यानी कि समुद्र की लहरें इस तरीके से ऊपर उठती हैं और नीचे जाती हैं तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे ज्वार कहा जाता है इसे भाटा कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं टाइट्स ज्वार भाटा कहा जाता है तो यहां पर हमारे पास दो लाइंस होती हैं कि एक बार तो लो टाइड लाइन जो होगी वो समुद्र की इतनी ऊंचाई तक जाती है।, है ना समुद्र की इतनी ऊंचाई तक आपके नीचे ज्वार भाटे का जा सकता है इसे बोलते हैं लो टाइड लाइन और जो हाई टाइड लाइन होती है वो इसके ऊपर भी जा सकती है तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका हाई टाइड लाइन कहलाता है और जहां तक आपके हाई टाइड लाइन जाती है उसके 10 मीटर तक के एरिया में अभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा 10 10 मीटर के एरिया के बाद आप छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो वो भी अंडर सर्विलेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में ये हो पाएगा तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो टेन मीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए इसके बाद देखो दोस्तों हमारा जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है इसमें लो टाइड लाइन क्या होगी निम्न ज्वार रेखा का मतलब है ऐसी रेखा ऐसी रेखा जो कि भूमि की वह रेखा जहां तक पानी की सबसे निचली रेखा स्प्रिंग ज्वार के दौरान पहुंचती है स्प्रिंग टाइड जहां तक पहुंचती हैं, वहां पर जो सबसे नीचे वाला जो भाग है वो लो टाइड लाइन कहलाएगा यानी कि ये ठीक है तो ये हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन होगी इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो स्प्रिंग टाइट्स ज्वार हमारे पास जो स्प्रिंग टाइड्स या बसंत ज्वार क्या कहलाते हैं तो देखिए स्प्रिंग टाइड या बसंत ज्वार का मतलब है पृथ्वी के संदर्भ में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही स्थिति पर होते हैं तो जो हमारी टाइड लाइंस होती है वो सबसे ज्यादा होती हैं। यानी कि जब जब न्यू मून की कंडीशन होगी और फुल मून यानी कि जब मावस की रात होगी अमावस्या होगी या फिर पूर्णिमा होगी तब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल और जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वह अधिकतम होगा इसीलिए जो ज्वार भाटे की ऊंचाई होगी वो सर्वाधिक होगी उसी को ही स्प्रिंग टाइड कहा जाएगा क्या कहा जाएगा उसी को ही स्प्रिंग टाइड या बसंत ज्वार कहा जाएगा वैसे स्प्रिंग टाइड वर्ड ज्यादा ठीक है बसंत ज्वार थोड़ा अजीब हो जाता है तो यहां पर हमारे पास क्या है ज्वार की ऊंचाई सबसे ज्यादा हो जाती है और जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी और इसी को ही स्प्रिंग टाइड कहते हैं और ये महीने में दो बार आएंगे एक पूर्णिमा में और एक अमावस्या में यानी कि एक फुल मून कंडीशन में और एक न्यू मून कंडीशन के अंदर होगा तो इस चीज को ध्यान रखेंगे साथ साथ दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे कि हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आखिर देता कौन है क्या क्या चीजें तो देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है तो यह स्वच्छता और पर्यावरणीय औचित्य के कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले समुद्र तटों को दी गई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है ध्यान रखिएगा यह एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कोई इंडिया का कोई राष्ट्रीय मान्यता नहीं है यह इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और ब्लू फ्लैग का मतलब है इको टूरिज्म मॉडल यानी कि जिन जिन तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा वहां वहां पर आप पर्यावरण को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हो और पर्यावरण को बढ़ाने के लिए विशेष कार्य किए जा सकते यानी कि एक ऐसा पर्यटन स्थापित होगा जो कि इको फ्रेंडली है जो कि पर्यावरण के लिए सही है तो इको फ्रेंडली टूरिज्म मॉडल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से मिलता है और समुद्र तटों को पर्यटकों और समुद्र तट पर जाने वालों की लिए थोड़ी सहूलियतें मिलेंगी परंतु उन्हें स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा स्वच्छ पानी मिलेगा सारी सुविधाएं मिलेंगी स्वस्थ वातावरण मिलेगा और एक सतत विकास का मॉडल भी स्टैब्लिश होगा टूरिज्म का टूरिज्म और स्वच्छता की स्वच्छता तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर आपके इस्टैब्लिश होने वाली हैं तो इट शुड बी रिमेंबर तो ये, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी एंड गाइस आगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास तो देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये जो कार्यक्रम था ब्लू फ्लैग कार्यक्रम उन्नीस 1985 में फ्रांस से शुरू हुआ था से से फ्रांस से शुरू हुआ था और 1987 में ये यूरोप में आ गया और 2001 के अंदर यूरोप के बाहर ये अन्य क्षेत्रों में फैल गया और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और इसको इसको करवाता कौन है कौन ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देता है यह देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन फी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है इट इज एन जी एंड एनपीओ जो कि इंटरनेशनल लेवल का है और यह एनवायरमेंट एजुकेशन को फैलाता है जो भी पर्यावरणीय संबंधी महत्वपूर्ण एजुकेशंस होती हैं, उन सभी को फैलाने का काम यह करता है तो इट शुड बी रिमेंबर तो रिमेंबर ध्यान रखिएगा यह एक एनजीओ एनपीओ है तो आई थिंक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में सभी को पता चल गया होगा पर यहां पर हमारे पास जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है यह आपके समुद्र तटों के लिए चार प्रमुख शीर्षों के तहत तैतीस कड़े मानदंडों को अपनाता है और आपके जो फी है वो डेनमार्क में स्थित है डेनमार्क के अंदर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन आपको सर्टिफिकेट ये देता है तो 33 संकेतकों को तैतीस तेति, तैतीस कंट आपकी चीजों को अपनाया जाता है और ये जो तैतीस कड़े मानदंड हैं ये चार हेड के अंदर आते हैं यानी कि चार कैटेगरीज में आते हैं कौन कौन सी चार कैटेगरी है पहला है पर्यावरण शिक्षा और सूचना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए तटों के लिए कि पूरी की पूरी पर्यावरण शिक्षा भी हो और सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिले साथ साथ आपके जो नहाने और पीने के पानी है उसकी पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ टूरिस्ट गए और समुद्र के पानी में नमकीन हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद पता चला कि स्किन पर रैसेज हो गए एलर्जी हो गई तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो समुद्र के पानी को खारे पानी को अगर कोई भी पिएगा या नहाएगा तो फिर हालत खराब हो जाएगी तो इसीलिए वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए इसलिए प्रॉपर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी साथ साथ एनवायरमेंट मैनेजमेंट होगा पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान रखा जाएगा और चौथी किसी के साथ में कोई भी दुर्घटना होती है तो पर्याप्त सुरक्षा और सेवाएं भी मिलेगी तो ये चार प्रकार के चार प्रकार के हेड हैं जिनके अंदर टोटल तैंतीस मानदंड हैं इनको देखा जाता है फिर आपको डेनमार्क की फी फाउंडेशन सर्टिफिकेट देती है फिर आपको क्या मिलता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सकता है तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा तो चलिए दोस्तों ये बात हो गई हमारे किसके ब्लू फ्लैग पार्टिसिपेशन की हाँ पीडीएफ पीडीएफ बच्चों हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी संडे से पहले मिल जाएगी बच्चों पीडीएफ डेफिनेटली आपको मिल जाएगी अब क्या करें बच्चों लेट आने वाले अच्छा अच्छा चलिए पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिल जाएगी चलो तो एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग और हमेशा न्यूज में रहने वाले पार्क की बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क और अभी ये क्यों न्यूज में रहा तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जहां पर हमें बिग फाइव चार बड़े बड़े पांच बड़े बड़े जानवर मिलते हैं जैसे कि वर्नहॉर्न हॉर्न राइनोसोरस और आपके बफेलो भी मिलती है जंगली बफेलो वाइल्ड बफेलो ऐसे ही आपके शेर भी मिलता है हाथी भी मिलते हैं बिग फाइव हमें यहाँ पर मिलते क्यों न्यूज में रहा ये तो यहां पर अभी ये क्या हो रहा था सेकेंड वेटलैंड बर्ड काउंट चल रहा था तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हमारे जनवरी 2020 के अंदर पक्षियों को गिरने की दूसरी जनगणना चालू की गई जिसका रिजल्ट फाइनली मई में आता है और यह है, पर ये दूसरी बार हुआ था क्योंकि पहला जो आर्द्र भूमि और वेटलैंड का पक्षी सर्वेक्षण था वो काजीरंगा में 2018 में पहली बार हुआ और 2020 में दूसरी बार हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा कहां पर है तो देखिए यह हमारा असम के देखो अक्सर बहुत सारी लाइफ सेंचुरीज हैं असम बहुत इंपॉर्टेंट है वन्य जीवों को लेकर तो आपको असम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए तो देखो ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना ये है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये बिल्कुल लोकेशन पर है आपके तो जस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर रेखा से थोड़ा सा ही नीचे है काजीरंगा नेशनल पार्क इसी तरीके से पूर्वोत्तर के कुछ और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं जैसे कि असम का ही एक फेमस वन्य जीव क्षेत्र है मानस लाइफ सेंचुरी जिसका नाम अक्सर आपने सुना होगा और इसी प्रकार से एक नेशनल पार्क और है जो कि है ओरांग नेशनल पार्क ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए तो काजीरंगा और मानस ये दोनों ज्यादा फेमस है अच्छी खासी बरसात होती है चार सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट भी अच्छी खासी है तो वनस्पतियां भी यहां पर अच्छी खासी उग जाती है तो वन्य जीव भी अच्छे खासे हो ही होंगे तो हमारा जो ये वन्य जीव है और जो आर्द्र भूमि है यहां पर पक्षी बहुत होते हैं हमेशा ध्यान रखना आर्द्र भूमियों में आपको पक्षी बहुत मिलेंगे क्योंकि आर्द्र भूमि क्या होते हैं आर्द्र भूमि हमारे होते हैं इकोटोन क्या, है? इको इको क्या होते हैं इकोटोन होते हैं इकोटोन क्या होते हैं बच्चों इकोटोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दो प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं जैसे कि स्थलमंडल और जलमंडल दोनों आकर जहां मिल गई तो संक्रमण कालीन पारिस्थितिकों को कहा जाता है इकोटोन तो यहां पर जल मंडल और स्थल मंडल मिलते हैं और एक इकोटोन बनता है जो कि है आपके आर्द्र भूमि है ना तो आर्द्र भूमि ये हमारे पास में बन जाता है तो अब बच्चों आर्द्र भूमि बनने का फायदा क्या है जैव विविधता बहुत ज्यादा हो जाएगी विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें होंगी तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी ये कहलाता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण भी अच्छा हो जाता है तो इसीलिए इसे कार्बन स्वीक्रेशन के लिए भी जाना जाता है खासकर यह अशुद्ध जल को यानी कि खारे जल को शुद्ध करने के भी काम में आता है तो इसीलिए इसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं आद्र भूमियों में और वैसी ही आद्र भूमि है काजीरंगा नेशनल पार्क में और जब इतनी सारी विविधता होती है तो काफी सारे जीव जंतु भी यहां पर पनप जाते हैं और उन्हीं जीव जंतुओं में से हो जाते हैं हमारे क्या पक्षी तो इसीलिए यहां पर सेकंड बर्ड सर्वे किया गया और जब सेकंड बर्ड सर्वे होता है तो कई चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं जैसे कि चार श्रेणियों के हमें अलग अलग प्रकार के पक्षी यहां पर मिले जिनमें थे जिनमें आपके कौन कौन से पक्षी थे आपके अघोरा टोली बागोरी कोहरा बुरा पहाड़ ये सारे पक्षी हमें मिल रहे थे खासकर अघोर टोली मतलब क्या होता है पक्षियों की अलग अलग क्लासेस होती हैं अलग अलग टाइप होते हैं तो चार टाइप के पक्षी खूब सारे मिले जिसमें से मैक्सिमम जो अघोर टोली रेंज जो थी क्लासेस मतलब एक पार्क है उसमें हमने अलग अलग क्षेत्र बना दिए हैं और उन अलग अलग क्षेत्रों के चार नाम है जैसे कि पार्क का एक एरिया ये दूसरा एरिया ये तीसरा ये चौथा एरिया तो उसमें जो अघोर टोली रेंज है उसमें काफी सारी पक्षियों की प्रजातियां हमें मिली हैं। वैसे ही आपके काजीरंगा में 92 पक्षी तो ऐसे हैं जो कि बारह मासी हैं और खासकर काफी सारे पक्षी तो दिन प्रतिदिन जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है इसकी प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं और खासकर पक्षी यहां पर आकर्षित हो रहे हैं जो कि सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है साथ साथ कुछ जलवायु परिवर्तन की चीजें देखी जा रही हैं हमारे बिग फाइव्स में भी यानी कि कई अनुकूलन के प्रभाव देखे जा रहे हैं आपके वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के ऐसे ही कुछ बदलाव जंगली बफेलो जंगली भैंसे में भी देखे गए हैं साथ साथ कुछ बदलाव आपके हाथियों के आचरण में भी देखे गए हैं तो कई बार आपके अडेप्टेशन इतना ऐसा हो रहा है जो हिसाब साफ बता रहा है कि यहाँ की जलवायु काफी परिवर्तित हो रही है तो देखिए दुनिया के सबसे ज्यादा एक सींग वाले जो गेंडे हैं उनका घर है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क तो क्या है बिग फोर स्पीशीज हमें यहां पर मिलती है एंड इट इज द होम ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्न हॉर्न राइनोसोरस तो बिग चोर पहले बिग फाइव हुआ करते थे पर अब एक जीव हमारा जो वन्य जीव है वह नष्ट हो गया इसीलिए अब बिग फोर रह है गए हैं पहले बिग फाइव हमें मिलते थे तो बिग फोर स्पीशीज तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर बिग फोर स्पीशीज मिलते हैं अब सोच के देखो इतने बड़े बड़े जानवर वो भी चारों प्रकार के यहां जीवित हैं तो कितनी ज्यादा जैव विविधता होगी कितना ज्यादा खाने पीने की चीजें होंगी तभी तो जीवित रह पा रहे हैं तो इसीलिए बिग फोर स्पीशीज जैसे कि रहिनो एलिफेंट रॉयल बेंगोल टाइगर और एशेटिक बफेलो तो ध्यान रखिएगा रॉयल बेंगाल टाइगर यहां पर भी हमें मिल जाता है तो एशियाई जल वाटर बफेलो जल में तैरती रहती है वो भैंस और हमारे राहिनो और हाथी ये सब यहाँ पर आपके मिल जाते हैं साथ साथ आपके 103 सौ तीन बाघ यहाँ हुआ करते थे जो कि उत्तराखंड में जो जिम के ऑर्बिट नेशनल पार्क है और जो कर्नाटका का हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क है उनकी संख्या में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है क्योंकि तो सबसे ज्यादा जो टाइगर्स जो बाघ हमें मिलते हैं वो मिलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो कि 215 के आसपास है बांदीपुर नेशनल पार्क में हमें 120 बाघ मिलते हैं जबकि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बाग हमें हमारे नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए तो थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हमें यहां पर मिल जाएगी इसके साथ साथ दोस्तों देखो काजीरंगा नेशनल पार्क की और भी कई विशेषताएं हैं क्योंकि आजकल यूपीएससी क्या करता है अंदर से क्वेश्चन पूछता है जैसे कि यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि भैया काजीरंगा नेशनल पार्क में से कौन सी नदी गुजरती है कौन सा हाईवे आता है तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है और कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है और कौन कौन सी आपकी नदी वहां से गुजरती है तो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क से दिफलू नाम की नदी यहां से गुजरती है तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क से दिफ्लू नदी गुजरती है एवं यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग सैतीस का निकास होता है नेशनल हाईवे थर्टी सेवन यहां से निकलता है तो ध्यान रखिएगा दिफलू नदी यहां पर हमारे कहा निकलती है तो देखो ये है आपके दिफ्लू नदी ये दिफलू नदी यहां से निकलकर जा रही है तो ये जो येलो लाइन है ये आपके डिफलू नदी की है और रही बात नेशनल हाईवे 37 की तो नेशनल हाईवे 37 जो है वो इस तरीके से निकलता है तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से दिफलू नदी गुजरती है और नेशनल हाईवे 37 निकलता है तो ये चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण चीज के ऊपर नजर डालते हैं और बात करते हैं एक बर्ड सेंचुरी की जो कि है नाल बना बर्ड सेंचुरी तो हमारे पास में जो नाल बना बर्ड सेंचुरी है वह क्यों न्यूज में है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा आकर्षक पक्षी हमें देखने को मिले तो देखिए नाल बना बर्ड सेंचुरी यानी कि नाल बना पक्षी अभ्यारण्य में क्या हुआ अवैध झींगे को नष्ट करने को एवियन सभा के पीछे कई चीजें यहां पर देखी गई क्योंकि यहां पर नालबला बर्ड सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है कहां पर है उड़ीसा में है यहां पर क्या करा जा रहा था कुछ अवैध झींगों की खेती की जा रही थी तो उस अवैध झींगों की खेती को यहां पर नष्ट किया गया और उस अवैध झींगे मतलब कुछ ऐसे झींगे होते हैं जिन्हें सरकार ने नष्ट नहीं किया प्रकृति ही उन्हें नष्ट कर रही है प्रकृति उन्हें नष्ट कर करी और उन्हें नष्ट करने क्या है कुछ पक्षी आ गए जो कि उन झींगों को निकाल निकाल कर खाने लग गए तो उन्होंने प्राकृतिक रूप से इसे नष्ट किया और ये न्यूज काफी अखबारों में भी रही थी कि इस तरीके के जो इलीगल प्रॉन कार्टिब्यूशन हो रहा था उसे यहां पर नष्ट किया गया क्योंकि तो जो पक्षी होते हैं उन्हें अपने रहने के लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए होता है एक प्रॉपर परिस्थितियां चाहिए होती हैं पर वो प्रॉपर एनवायरमेंट और प्रॉपर परिस्थिति अगर उन्हें नहीं मिलती है ना बच्चों तो कोई भी अपना जीवन बचाने के लिए अन्य के ऊपर वार करेगा ही करेगा तो यहाँ पर ये झींगों की जो खेती हो रही थी जैसे कि बेचे जाते हैं प्रॉन प्रॉन का अचार भी बनता है ट्रेड भी होता है तो ये जो खेती हो रही थी आपके झींगों की इससे पक्षियों का जीवन संकट में था और जब प्रतिस्पर्धा होती है ना कंपटीशन होता है तो एक को हारना ही पड़ता है तो यहाँ पर झींगों को ये पक्षी खा गए इसीलिए न्यूज़ में रहे थे तो इसीलिए न्यूज में रहे और यहाँ पर नलबना पक्षी अभ्यारण जो कि उड़ीसा में चिलिका लगून के क्षेत्र में नलबना है और यहाँ पर चिलिका का जो मेन रीजन है वहीं पर नलबना पक्षी अभ्यारण है और इसे 1987 में उन्नीस के अंदर इसे क्या घोषित किया गया था उन्नीस में इसे पक्षी अभ्यारण घोषित किया गया था वहां पर ये सारी चीजें हो रही है तो देख सकते हो कि हमारा जो नल बना पक्षी अभ्यारण है वो कहाँ पर है लोकेशन हमेशा पूछी जाती है मेज द फॉलोइंग में तो ये रहा आपका प्यारा उड़ीसा ठीक है और उड़ीसा को थोड़ा सा बड़ा कर कर देखे तो ये रहा उड़ीसा उड़ीसा के इस इस पॉइंट पर यहां पर है हमारा चिलिका लगुन लगुन क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा ये है हमारा चिलिका लगून और इसके जस्ट नीचे आपको यहां पर नल बना नल बना पक्षी अभ्यारण मिल जाएगा यहाँ पर काफी सारे विचित्र प्रकार के पक्षी मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो आप जब थोड़ा सा इस गूगल इमेज को जब आप बहुत ज्यादा बड़ा कर कर एनालाइज कर कर देखते हो तो ये है नल बना पक्षी अभ्यारण और यहां पर कुछ झींगों के फार्म्स हैं तो ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये आपके झींगों के फार्म्स हैं यहां पर और काफी बड़े क्षेत्र के अंदर तट के आसपास यहां से पूरा इस एरिए को लेकर यहां से लेकर यहां तक झींगों के बड़े बड़े खेत बना दिए हैं और वहां पर झींगों के उत्पादन हो रहे अब ये झींगों की वजह से यहां पर जो पक्षियों का जो आवास है वह थोड़ा खतरे में पड़ा तो पक्षी आए और इन झींगों को खाने लग गए इन झींगों को नष्ट करने लग गए और ये घटना बताती है कि किस तरीके से सर्वाइवल प्रकृति में होता है इसीलिए ये काफी न्यूज में रहा था तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस तरीके से पूरी चीजें हो रही हैं। तो हमारा ये जो बाढ़ के कारण क्या हुआ मानसून के दौरान ये जो नलबना द्वीप है कभी कभार गायब हो जाता है क्योंकि उड़ीसा में क्या है में अक्सर कोई ना कोई चक्रवात कोई ना कोई दुर्घटना आपदा वगैरह होती ही रहती है तो नलबना द्वीप इतनी ज्यादा हाइट पर भी नहीं है तो जैसे ही भी थोड़ा बहुत पानी आए इवन मानसून भी आ जाता है अच्छा सा तो ये नलबना द्वीप गायब हो जाता है केवल मानसून के बाद में ये उभरता है और उभरता है तो आर्द्र भूमि रहता है और पक्षियों का एक स्थल बन जाता है और चिलिका में नलबना और मंगला जोड़ी जो है वह दो प्रमुख स्थान हैं जहां पर पक्षी एकत्रित होते हैं कौन कौन से आपके नलबना और मंगला जोड़ी और जब नवंबर के बाद में नवंबर के बाद में क्या होता है नवंबर के अंदर ही भारत में सर्दी आ जाती है और भारत के और ऊपर अक्षांश वाले देशों में जैसे कि रूस साइबेरिया यूरोप वहां पर सर्दी और ज्यादा भीषण हो जाती है और सर्दियों में क्या होता है जीव जंतुओं के खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है इसीलिए साइबेरिया से और अन्य उच्च अक्षांश क्षेत्रों से बहुत सारे पक्षी भारत की तरफ प्रवास करते हैं इसीलिए आप देखो जनवरी फरवरी में बहुत पक्षी इंडिया में आते हैं तो इसीलिए नवंबर में जब साइबेरिया से और और पक्षी चीन जापान और उत्तरी गोलार्ध के अन्य देशों में प्राकृतिक आवास की स्थिति जब सुलभ होती है तो उधर मूव करते हैं तब काफी सारे पक्षी हमारे नलबना में भी आ जाते हैं तो देखिए नलबना में काफी इंटरेस्टिंग पक्षी पाए जाते हैं इवन जो विविधता है पक्षियों की वो बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे नलबना बर्ड सेंचुरी के अंदर तो देखिए हमारे चिलिका जैसी आपको पता होगा कि एक महान एक और महाद्वीप विश्व में खोजा जा चुका है अभी तक आपके साथ ही महाद्वीप हुआ करते थे अब आठ महाद्वीप हो गए हैं तो न्यू कैलेडोनिया भी एक नए महाद्वीप की श्रेणी में आ गया है और न्यू कोल कैलिडोर्निया के आसपास क्या है एक बेरियर रीफ है की क्या है बेरियर रीफ है तो न्यू कैलेडोनिया का जो न्यू कैलेडोनियन बेरियर रीफ है उसके बाद चिलिका चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लगून है तो ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी लगून है न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ और उसके बाद में विश्व की सबसे बड़ी दूसरी लगून है चिलीका झील और यहां पर खासकर हमारे यहां पर भी और न्यू कैलिडोनियन के अंदर भी ग्रेट नॉट नाम का जिसका साइंटिफिक नाम है कैलिड्रस टूरोनास्टिस वह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी है और यह जो फोटो था आपका ग्रेट नॉट का ही फोटो है ठीक है अरे बच्चों क्या हो जाता है इसको हाँ तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना ये ग्रेट नॉट नामक पक्षी का है जो कि काफी इंटरेस्टिंग पक्षी है बहुत कम जगह ही ये देखने को मिलता है और ये जो ग्रेट नॉट है ये है आपका क्या कैलिड्रस टुरोनस्टिस इसका साइंटिफिक नेम है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी है बहुत कम जगह मिलता है और नलबना वर्ल्ड सेंचुरी में ये आता है और आयु की रेड लिस्ट के अंदर ये क्या है लुप्त है रेड लिस्ट में ये हमारा एंडेंजर्ड संकटाग्रस्त श्रेणी के अंदर आता है किसमें आता है संकटाग्रस्त प्राय श्रेणी के अंदर भी कौन जो कि संकटग्रस्त एंडेंजर्ड है, है यानी कि इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है तो ध्यान रखिएगा ग्रेट नॉट कहां मिलता है भारत में नल बना सेंचुरी के अंदर मिलेगा ग्रेट नॉट कहां मिलेगा नल बना सेंचुरी के अंदर मिलेगा और वो आपका संकट ग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड है तो इट शुड बी रिमेंबर इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पक्षी के बारे में बात करते हैं जो कि है इंडियन स्कीमर इंडियन स्कीमर क्या होता है इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं वॉट इज इंडियन स्कीमर तो देखिए हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोरिंगा वन्य जीव जो कि कहां पर मिलती है गोदावरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर ठीक है आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर गोदावरी में क्या है कोरिंगा वन्य जीव है यहां पर आपके काफी सारे मैंग्रोव्स मिलते हैं मैंग्रूव पेड़ पौधे काफी मिलेंगे कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में और यहीं पर जो गोदावरी पे जो गोदावरी नदी के मुहाने पर जो मैंग्रोव्स हैं गोदावरी मैंग्रोव जो हैं वहां पर हमें कभी कभार देखने को मिलता है इंडियन स्कीमर भारतीय स्कीमर को भी देखा गया तो कहां मिलेगा भारतीय स्कीमर तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत और इस प्यारे भारत के हमारे प्यारे भारत के आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर आपके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण की इन क्षेत्रों में हमें मिलता है क्या इंडियन स्कीमर भारतीय स्कीमर यहां हमें देखने को मिला जो कि अक्सर पहले नहीं मिलता था पर अब हमें ये मिल गया है तो इंडियन स्कीमर क्या है कैसा दिखता है तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पक्षी है कलरफुल चोंच है इसकी बड़े पंख हैं और जब ये उड़ता है ना तो उड़ते हुए इसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कभी मौका मिले तो देखिएगा इंडियन स्कीमर तो इंडियन स्कीमर क्या है एक जल पक्षी प्रजाति है जल में यह रहता है इसका साइंटिफिक नेम है राहिन चोप एब्लिकोलिस राहिन चोप एब्लिकोलिस तो आंध्र प्रदेश में तो यह हमें मिला ही मिला पर साथ साथ यह मध्य भारत में चंबल नदी के आसपास भी मिलता है ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में पहले ये ज्यादा संख्या में नहीं हुआ करते थे पर अब आंध्र प्रदेश की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और अब ये यहां पर भी मिल रहे हैं इनकी जो स्थिति है वह वलनरेबल है, है। यानी कि इनकी संख्या क्या है लुप्त प्राय होती जा रही है ये आपके लुप्त प्राय की श्रेणी में आते जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इनका स्टेटस क्या है वलनरेबल है ये। सी की लिस्ट में वलनरेबल या लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और कहां, कहां मिलते हैं उड़ीसा आंध्र प्रदेश राजस्थान में चंबल और एमपी के भी चंबल के किनारों पर ये इंडियन स्कीमर्स देखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये न्यूज में है देखिए इंडियन स्कीमर्स जो है वह हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज तो है ही है और आंध्र प्रदेश में हमारा जो सी डब्ल्यू एल एस है जो कि मछली पक, पकड़ने वाली एक बिल्ली है इसी के साथ साथ आपके कोरिंगा वन्यजीव जीव अभ्यारण्य और, और भी कई जीव मिलते हैं जैसे कि मछली पकड़ने वाली बिल्ली सियार, समुद्री कछुए समुद्री गल, सारस, बगुला, और राजहंस ये सारे लुप्त प्राय प्रजातियां आंध्रा की कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती हैं। यहाँ पर जो गोदावरी मैंग्रोव मिल रहे हैं वह भारत में दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव हैं और बाकी आप सभी को पता है कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला जो क्षेत्र है वह है सुंदरवन पश्चिम बंगाल तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला क्षेत्र कौन सा है सुंदरवन पश्चिम बंगाल और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव कहां है गोदावरी मैंग्रोव, जहां पर आपके कोरिंगा वन्यजीव जीव अभ्यारण्य स्थित है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखो कितना इंटरेस्टिंग सा ये पक्षी है तो इस तरीके से ये जो इंटरेस्टिंग सा हमारा पक्षी है इसे बोलते हैं चाइनीज पैडल फिश क्या बोलते हैं इसे इसे चाइनीज पैडल फिश बोला जाता है चाइनीज पैडल फिश अब क्यों न्यूज में रही क्या इससे संबंधित चीजें थी तो देखो बच्चों क्या हुआ चाइनीज पैडल फिश क्या है अब बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है यह बिल्कुल नष्ट होती जा रही है चीनी वैज्ञानिकों ने कहा है कि चाइनीज पैडल फिश अब विलुप्त हो चुकी है जंगलों से भी और संरक्षित क्षेत्रों से भी 2003 में इसे पहली बार देखा गया था और चाइनीज पैडल फिश जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली होती है धीरे धीरे पानी प्रदूषित होता गया और यह नष्ट हो गई मेनली जो चाइनीज पैडल फिश है यह है मीठे पानी में जो मुहाने होते हैं वहां पर रहा करती थी फ्रेश वाटर के अंदर जो एश्चुरीज होती हैं, उन एश्चरीज में ज्वार नदमुख में जहां पर मीठा पानी और खारा पानी मिलता है तो उस ज्वार नदमुख में यह चाइनीज पैडल फिश रहा करती थी अब इसकी स्थिति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो चुकी है यह क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पर चाइनीज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यह विलुप्त हो चुकी है चाइनीज साइंटिस्ट का कहना है कि यह एक्सटेंट हो चुकी है परंतु आयु ने इसे अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा ही दे रखा है तो ध्यान रखिएगा आयु के अंदर इसकी स्थिति है क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त, पर चाइनीज लोगों का कहना है कि एक्सटेंट हो गई आयु को कहो कि इसके एक्सटेंट कर दे पर आयु ने इसे अपना एक्सटेंट अभी नहीं किया गया है 2009 में जब इसको असेस किया गया था इसको देखा गया था तब आयुसीएन ने इसे क्रिटिकली इंडेन्जर्ड घोषित किया था और तभी से इसके अंदर कोई भी ऐसे बदलाव नहीं किए गए हैं तो आपके विलुप्ति के कगार पर होने की वजह से चाइनीज पैडल फिश को एक्सटेंट मान रहा है कई लोग मान रहे खासकर चाइनीज साइंटिस्ट मान रहे इसलिए न्यूज में रही तो देखिए चीन में चीन में हमारे एक नदी है यांगजी नदी चीन में कौन सी नदी है बच्चों यांगजी नदी तो यांगजी नदी के मुख पर जो खारे पानी और मीठा पानी जहां मिलता है जहां ज्वार नदमुख बनता है जहां एशीज बनती हैं, वहां यह पाई जाती थी और यांगजी नदी की एंडेमिक स्पीशीज हैं क्या है स्थानिक प्रजातियां हैं एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था एंडेमिक स्पीशीज वो प्रजातियां होती हैं जो कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं वहीं पर कुछ ऐसी कंडीशंस मिलती है कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पर वो पाई जाती है तो कोई एक विशिष्ट जगह पर कोई एक विशिष्ट प्लेस पर आपको कोई विशेष जीव जंतु मिलता है तो उसे उस स्थान का स्थानिक प्रजाति कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है तो चीन की जो यांगजी नदी है वहां पर यह एंडेमिक है तो पह ये हमें कहां मिलती है केवल और केवल हमें चीन में ही मिलेगी तो ध्यान रखिएगा स्थानिक स्पीशीज है तो केवल और केवल चीन में ही मिलेगी क्योंकि वो उसी जगह मिलती है और कहीं विश्व में नहीं मिलती है तो ये केवल चीन में ही मिलेगी और रही बात यांगजी नदी की तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी नदी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है ये तो एशिया की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी और सबसे थर्ड लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड की काफी बड़ी नदी भी है तिब्बती पठार का जो उत्तरी भाग है और जो पूर्वी चीन सागर की ओर सामान्य रूप से पूर्वी दिशा के अंदर ये बहती है तो हमारे तिब्बत के पठार के उत्तरी भाग और जो पूर्वी चीन सागर है उसकी ओर से यह पूर्व दिशा की तरफ बहेगी पर इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा बस आप याद रखिएगा कि चाइनीज पैडल फिश एंडेमिक स्पीशीज है जो कि यांगजी नदी पर हमें मिलती थी तो इतना आपको ध्यान रखना होगा और क्या क्या फेमस है चाइनीज पैडल फिश के बारे में चाइनीज पैडल फिश जो है वह केवल उसकी केवल और केवल दो ही प्रजातीय अस्तित्व में थी अब हकीकत में है या नहीं वो अलग बात है चाइना के लोग तो कह रहे हैं कि अब ये नहीं है तो चाइनीज पैडल फिश की दो ही प्रजातियां थी और यूएसए ने मिसिसिपी नदी बेसिन में पाई जाने वाली एक अमेरिकी पैडल फिश भी हुआ करती थी जो कि आयु में अब बिल्कुल ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है जिसकी स्थिति अब आयु के अंदर क्या हो गई है वल्नरेबल हो गई है तो विश्व में दो प्रकार की पैडल फिश मिलती हैं एक है अमेरिकी पैडल फिश जो कि अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है जो कि मिसिसिपी नदी पर मिलती है और एक दूसरी पैडल फिश है जो कि चाइना की यांगजी नदी पर मिलती है जो कि है चाइनीज पैडल फिश चाइनीज पैडल फिश जो है आयुसीएन में वो क्रिटिकली इंडेन्जर्ड है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है जबकि अमेरिकी पैडल फिश जो है वह वलनरेबल यानी कि लुप्त प्राय स्थिति के अंदर उपस्थित है तो ये दोनों के अंदर अंतर है और विश्व में दो ही प्रकार की पैडल फिश अस्तित्व में है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा तो इट शुड बी रिमेंबर है ना तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा बेटा इसे बिल्कुल याद रखेंगे कोई भी नहीं भूलेगा ठीक है पक्का याद रखेंगे अब और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है तो चलो ये भी जान लो तो देखिए गंभीर रूप से संकटग्रस्त कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं जो कि बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है तो आयुषन कहता है कि ये बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है जबकि विलुप्त यानी एक्सटेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंगलों में विलुप्त यानी कि एक्सटेंट इन वाइल्ड यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो केवल और केवल एक विशिष्ट जंगल में यानी कि एक क्लोज एनवायरमेंट में ही एग्जिस्ट करती है और कहीं नहीं है दूसरी होती है लोकली एक्सटेंट यानी कि जो स्थानीय रूप से विलुप्त हो गई है पर अन्य क्षेत्रों में आपके मौजूद है और ऐसे ही एक विलुप्त होता है कार्यात्मक विलुप्त यानी कि आपके फंक्शनली एग्सटिट इसका मतलब यह होता है कि हमें कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट बट इट हैज टू फ्यू मेंबर्स जो कि कहीं ना कहीं उपस्थित जरूर हैं वो प्रजातियां पर बहुत ही कम मेंबर्स हैं अगर आप चाहते हो कि उन्हें बचाना तो उन्हें आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा उन्हें और पैदा करना पड़ेगा यानी कि ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं गलती से दो चार बची हैं और अगर तुम चाहते हो कि वो स्पीशीज बची रहे तो उनको लैब में ले जाकर उनसे बच्चे पैदा करवाओ रिप्रोडक्शन करवाओ तब काम चलेगा तो ऐसी प्रजातियों को कहते हैं फंक्शनली एक्सटेंट कार्यात्मक रूप से विलुप्त और फिर आती है ग्लोबली एक्सटेंट जो कि चाइना कह रहा है कि चाइनीज पैडल फिश क्या है ग्लोबली एक्सटेंट हो गई है अर्थात पूरी विश्व से ये खत्म हो गई है तो कंप्लीटली खत्म हो गई है उसे ग्लोबली एक्सटेंट कहा जाता है तो विश्व स्तर पर खत्म होने का मतलब एक भी स्पीशीज नहीं बची है एक भी जानवर यहां पर नहीं बचा है तो इस तरीके की अंतर है एक्सटेंट में भी कई कैटेगरीज हैं तो उसे ध्यान रखिएगा चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक रिजर्व की जो कि है हमारा घोड़ाड़ा रिजर्वायर कौन सा रिजर्वयर है घोडाड़ा रिजर्वयर तो कहां पर है क्यों न्यूज में आया तो देखिए घोडाड़ा रिजर्वायर जो है यानी कि घोड़ाहाड़ा घोड़ाहाडा जलाशय जो है वह उड़ीसा के उड़ीसा के घोड़ाहाडा जलाशय में मगरमच्छ की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है यहां पर पॉपुलेशन ऑफ मगर क्रोकोडाइल कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में तीन प्रकार के मगरमच्छ मिलते हैं है ना मार्श मगरमच्छ यानी कि मगर वो मिलता है हमारे पास इसके अलावा हमें घडियाल मिलता है हमारे पास और एक ऐसे मगरमच्छ रहते हैं जो कि सॉल्ट वाटर में भी आराम से रह सकते हो तो ऐसे तीन प्रकार के आपके मगरमच्छ मिलते हैं तो उसमें से जो दलदली भूमि मार्श मगरमच्छ जो होता है उसे बोलते हैं मगर तो मगर क्रोटो क्रोकोडाइल क्या है उड़ीसा के घोड़ाहाड़ा जलाशय में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं इनका तेजी से प्रजनन हो रहा है कहां पर है घोड़ाहाड़ा जलाशय तो घोड़ाहाड़ा जलाशय है लखारी घाटी अभ्यारण के करीब पूर्वी घाट का हिस्सा तो हो गए हुआ तो बच्चों हमारा जो हाड़ा जलाशय है यह आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत लाखीरी घाटी अभ्यारण्य है वहां पर स्थित है और यहाँ पर जो हाड़ा नदी है वह है खुद ऋषिकुल्या नदी की एक सहायक नदी है ये वही ऋषिकुल्या है जहां पर ओलिव रिडली टर्टल आते हैं और अपनी हैचिंग करते हैं तो जो ऋषुकुल नदी है उसकी एक सहायक नदी है घोड़ाहाड़ा नदी और वहीं पर बनता है घोड़ाहाड़ा जलाशय और वहां पर बहुत तेजी से मगरमच्छ की एक प्रजाति है मगर वह बहुत तेजी से पनप रही है और उसका काफी संख्या भी देखी जा रही है तो कुछ इस तरीके के होते हैं मगर काफी इंटरेस्टिंग से होते हैं और खासकर मगर को पास से देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग दिखेंगे पर ज्यादा पास मत जाना खा खा जाते हैं ये पर हाँ मगरमच्छों के अंदर ही एक प्रजाति होती है घड़ियाल वो इतना नहीं खाते हैं वो एक थोड़े से फ्रेंडली होंगे पर डेफिनेटली उनको भी परेशान करोगे तो शायद वो भी खा सकते हैं बट हाँ घड़ियाल इतना नुकसान शरीर को नहीं पहुंचाते हैं तो देखिए जो घोड़ा हाड़ा रिजरवायर है यहां पर साइंटिफिक नाम क्या है हमारे इस मगर का क्रोकोडायस पालुस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है उड़ीसा में तीन मगरमच्छ की प्रजातियों में से ये एक प्रजाति है भारत में भी तीन मगरमच्छ की प्रजाति पाई जाती है और वो तीनों की तीनों उड़ीसा में मिलती हैं जैसे कि हमारे सतकोशिया में घड़, घड़ियाल मिल जाते हैं वैसे ही भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छ मिलते हैं सॉल्ट क्रोकोडाइल और ध्यान रखिएगा उड़ीसा के अंदर सफेद मगरमच्छ भी मिलते हैं व्हाइट क्रोकोडाइल भी आपको उड़ीसा के अंदर मिलेंगे तो मगर क्या करता है आपके एक ओवी पैरस है ओवी पैरस मतलब अंडा देता है और आपके छेद बनाकर छेद बनाकर बिल के अंदर रहने वाली एक प्रजाति है तो ये ओवी पैरस है अंडा देगा और छेद बनाकर रहेगा साथ साथ हमारा जो ये मगरमच्छ है मेनली जो मगर है यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट तक ही रहता है हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहां तक ही सीमित है ये मगरमच्छ और यहां पर ये नदियों झीलों दलदल सहित कई मीठे पानी के आवास में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा फ्रेश वाटर सिस्टम जो मीठे पानी की जो झीलें हैं उन्हीं में ही मगरमच्छ रहते हैं और कहीं जगह नहीं रहेंगे ये वाले मगर ठीक है वैसे तो अलग अलग जगह रह सकते हैं पर हां मगर जो है वह फ्रेश वाटर के अंदर रहेगा और दलदल वगैरह में भी पाया जाता है साथ साथ तटीय खारे पानी के जो लगून होते हैं उनमें भी ये मिल सकता है परंतु ये वहां पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे वापस आपके मीठे पानी वाले क्षेत्र में ही आ जाएंगे क्योंकि इनका जो वृद्धि होती है वो थोड़ा सा उस क्षेत्र में खारे पानी में ज्यादा नहीं हो पाती का और कहां कहां मिलते हैं ये मगर तो देखिए भूटान और म्यांमार में पहले मिला करते थे मगर अब ये नष्ट हो चुके हैं भूटान और म्यांमार से सिर्फ और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलते हैं किन वजह से खतरे में है क्यों यह बहुत तेजी से खतरे में जा रहे थे काफी मर रहे थे वो तो अच्छा हो घोड़ा पड़ार जलाशय का कि यहां पर ये मिलने लग गए तो हमारे खतरों के रीजन है इनका जो मीठे पानी का क्षेत्र है वह नष्ट हो रहा है यानी इनका पर्यावास विनाश हो रहा है डेस्ट्रिक्शन किया जा रहा है साथ साथ काफ़ी परिवर्तन भी हो रहे हैं इनके आस हमारे क्षेत्रों के अंदर क्योंकि हम औद्योगिकीकरण कर रहे हैं नई नई चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं तो काफ़ी सारी जो समुदाय हैं इनके नष्ट हो रहे हैं साथ साथ मछली पकड़ने की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अक्सर मगरमच्छ भी उसमें फंस जाते हैं और शिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं साथ साथ औषधीय प्रयोजनों के लिए भी मगरमच्छ के अंगों का प्रयोग किया जाता है हमारे जो पुराने झाड़ फूक वाले जो लोग हुआ करते थे जो कि टोना टोटका और तंत्र मंत्र किया करते थे वो कहते हैं कि मगरमच्छ की खोपड़ी लेकर आओ तो उससे ये हो जाएगा मगरमच्छ के दांत से ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना अंधविश्वास बना दिए और बेचारे मगरमच्छों को मार दिया तो ऐसी कई चीजें हैं तो औषधीय प्रयोजनों में भी कई चाइनीज लोग और कई भारतीय भी हैं जो कि कहते हैं कि मगरमच्छ की खाल मांस खाओगे तो ये वीरवर्धन होगा ये होगा वो होगा फालतू की बकवास करते हैं और बेचारों को मार देते हैं तो इस वजह से ये काफी ज्यादा मगरमच्छ हमारे मर रहे हैं तो हमारा जो ये क्रोकोडाइलस है वह पैलिप्टिस वो मरता जा रहा है ये एक समस्या है पर अब ये घोड़ा हमारा जो घोड़ा हाड़ा रिजर्वॉयर है यहां पैदा हो रहे हैं आयुसीएन में स्थिति क्या है मगर की तो ध्यान रखिएगा मगर जो है वह वल है यानी कि लुप्त प्राय है मगर क्या है वल है यानी कि आपके लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर आ जाता है तो मगर हमारा लुप्त प्राय श्रेणी में है और रही बात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची एक के अंतर्गत ये आते हैं यह अपेंडिक्स वन में पाए जाते हैं यानी कि जो ऐसे जीवों में पाए जाते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त है तो अपेंडिक्स वन में हमारा घोड़ाहाड़ा रिजर्वर और आपके जो लखारी घाटी अभ्यारण है यह उन्नीस में स्थापित हुआ था बंगाल की खाड़ी से काफी निकट है लखारी घाटी अभ्यारण्य और लखारी घाटी अभ्यारण्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है काफी अच्छी बरसात होती है इसीलिए दलदली आर्द्र भूमि बन जाती है लखारी घाटी अभ्यारण्य में और जो मगर है मगरमच्छ जो है वह आर्द्र भूमि में ज्यादा तेजी से पनप पाता है इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और ध्यान रखिएगा जो लखारी घाटी अभ्यारण्य है यहीं पर भारत में हाथी की आबादी भी काफी ज्यादा है तो भारत में आहती की आबादी पाए जाने वाले अभ्यारणों में लखारी घाटी अभ्यारण भी पाया जाता है तो इट शुड बी रिमेम्बर तो इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं और हम बात करते हैं एक ऐसे जंगलों की जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को संरक्षित रखने में सक्षम है यानी कि ऐसे प्रजातियों से भरा हुआ जंगल जो कि एक स्थाई एक स्थायी चीज देगा जिससे तुम कार्बन को कैप्चर कर पाओगे यानी कि एक ऐसा जंगल ऐसे प्रजातियों से ऐसे वन्य जीवों से भरा हुआ जंगल जो कि आपको एक स्टेबल कार्बन कैप्चर की प्रक्रिया दे पाएगा तो क्या है ऐसा जंगल तो देखिए यहां पर कई चीजें हुई हैं हमारे पास जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप देख सकते हो कि अन्नमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर कौन से रिजर्व के अंदर अन्न टाइगर रिजर्व के अंदर सर्वे किए गए और पता चला कि यहां पर हमारे पास ऐसी भंडारण करने में सबसे हैं। तो टाइगर रिजर्व के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो सदाबहार वन हैं, वह कार्बन भंडारण कार्बन कैप्चर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर यहां पर सागौन और यूके लिप्टस के जो बागान हैं, यहाँ पर जो सागौन है वह 43% और परसेंट और यूके है, वह परसेंट कार्बन डाई ऑक्साइड को कैप्चर करने में सक्षम है तो यह काफी महत्वपूर्ण चीज हमें पता चली और एक स्टेबल कार्बन कैप्चर की व्यवस्था ये प्रोवाइड करवा रहे हैं साथ साथ हमारे जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी काफी महत्वपूर्ण होंगे सागौन और तो जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीति में लंबे समय बाद हमारे देशी वृक्षों की ये प्रजातियां प्राकृतिक वनों की ना सिर्फ रक्षा करेंगी बल्कि कार्बन कैप्चर भी करेंगी और वापस से ज्यादा विश्वसनीय वनों को भी स्थापित कर सकती हैं तो इसीलिए जो हमारे पास जैव विविधता कम होती जा रही थी उसे भी संरक्षण मिलेगा और प्रॉपर कार्बन कैप्चर हम कर पाएंगे कि स्थिर कार्बन कैप्चर हम यहां पर कर पाएंगे तो एक प्रॉपर स्थिर एनवायरमेंट सागौन और यूके से मिलेगा जो कि अन्नमलाई अन्नमलाई टाइगर रिजर्व से हमें मिल रहा है ठीक है तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है बच्चों अन्नमलाई टाइगर रिजर्व की तो इसे आपको बिल्कुल याद रखना होगा तो चलो थोड़ी सी बात मान लेते हैं किसकी अन्नमलाई टाइगर रिजर्व की तो अन्नमलाई टाइगर रिजर्व कहां है अन्नमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के जो चार टाइगर रिजर्व हैं उनमें से ये एक है चार टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं तमिलनाडु के हाँ चार टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु के एक तो मुदुमलाई दूसरा टाइगर रिजर्व है हमारा कलक्कड़ कलक्कड़ मुंड है हमारा दूसरा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का और तीसरा आपको पता ही है सत्यमंगलम भी है और इस तरीके से ये चीजें हैं तो ध्यान रखेंगे मुदुमलाई कलक्कड़, मुंडन थुराई और आपके सत्यमंगलम तो ये हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो तीन ये हो गए आपके और एक हमारा अन्नमलाई हो गया तो टोटल चार टाइगर रिजर्व मिलते हैं कहां पर चार टाइगर रिजर्व मिलते हैं तमिलनाडु में तो इस चीज को ध्यान रखिएगा इसके अलावा दोस्तों हमारे रही बात अन्नमलाई टाइगर रिजर्व की तो ये जो टाइगर रिजर्व है वो काफी ज्यादा फेमस भी है बहुत सारे टाइगर्स को भी रखते हैं क्यों रख पाते हैं क्योंकि यहां पर हमें मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट गीले सदाबहार वन, साथ-साथ मिलते हैं हमें यहां पर अर्ध सदाबहार वन नर्म पर्णपाती शुष्क पर्णपाती शुष्क कांटे और सबसे इंपॉर्टेंट शोलाज तो आपको पता ही होगा नीलगिरी बायोस्वे रिजर्व पर हमें एक विशेष प्रकार के एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जिन्हें शोलास कहा जाता है तो वो शोलास भी यहाँ पर ही आपको मिलेंगे साथ साथ बहुत ही यूनिक एनवायरनमेंट देते हैं इन टाइगर्स को रहने के लिए साथ साथ पर्वतीय घास के मैदान भी यहाँ पर मिलेंगे सवाना और दलदली घास के मैदानों की भी मौजूदगी है तो कोई एक ऐसा क्षेत्र हो ऐसा जंगल हो जहां पर इतनी सारी विविधता वाली पेड़ पौधे और वन्य जीव मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो काफी महत्वपूर्ण होगा और यहीं पर ये जीव तो मिलते ही मिलते हैं साथ साथ सागौन और यूके लिप्टस के जो पेड़ हैं वह एक कार्बन भंडारण को भी दे पाते हैं तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हमें यहीं से मिलती हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा तो चलिए दोस्तों ये बात हो गई हमारी किसकी ये बात हो चुकी है हमारे सागौन और यूके की अब थोड़ी सी चीज और कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों है ना चलिए किसी को नींद तो नहीं आ रही थोड़ा सा नींद आ रही है तो थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो तो बच्चों आप सभी को अपनी लिमिट से ऊपर जाना पड़ेगा जब तुम अपनी लिमिट से भी आगे बढ़ जाओगे ना तब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी अगर तुम्हें नींद आती है तुम थकते हो तुम सोते हो और उसको पुश नहीं करते हो तो फिर कभी सक्सेस नहीं मिलेगी हमें हमारी सोच से आगे बढ़कर मेहनत करनी पड़ेगी जितना तुम सोचो कि मैं एक महीने में इतना पढ़ूंगा उससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे ना तो तुम मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते हमें मोटिवेशन मिलता है हमारे काम से जैसे कि मैंने सोचा कि आज मैं इतनी मेहनत करूंगा उससे मैं जब ज्यादा कर लूंगा ना तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूंगा हम लोग डिमोटिवेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि तो हम सोचते हैं दस घंटे पढ़ेंगे और पढ़ाई करते हैं छह घंटे तो फिर डिमोटिवेटेड होंगे ही तो ध्यान रखिएगा जीवन में अभी प्रेरणा का जीवन में मोटिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चरम स्रोत है हमारी कार्यशैली जिस तरीके से तुम काम करते हो उससे बेहतर और उससे अच्छा मोटिवेशन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है कोई तुम्हें इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना तुम खुद अपनी कार्यशैली से अपने आप को कर सकते हो।, हो सकता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो पूरी दुनिया तुम्हें बेवकूफ कह रही हो पूरी दुनिया सिस्टम में तुम्हें ऐसे कह रही होगी कि इसके बस का कुछ नहीं है पर तुम आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो चाहे वो पढ़ाई का हो या कल को जब तुम आई बनोगे तो राज्य निर्माण का हो राष्ट्र निर्माण का काम हो अगर तुम अकेले भी कोई भी काम ईमानदारी से पूरी मेहनत से करते हो तो उससे बड़ा मोटिवेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं पर फिर भी जीवन से हताश हैं क्योंकि वो जितना सोचते हैं उतना नहीं कर पाते हैं इसीलिए वो जीवन से हताश हैं इसीलिए वो डिमोटिवेट होते हैं इसीलिए वो डिप्रेस होते हैं और कई नपुंसक और कायर लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को नपुंसक और कायर कहूंगा जो सुसाइड करते हैं तो इसीलिए आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो वो हमें कभी डीमोटिवेट नहीं करती हैं हमें डीमोटिवेशन इसलिए होता है क्योंकि उन परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो कभी भी परिस्थितियों की वजह से इंसान डिमोटिवेट नहीं होता है हमेशा इंसान डिमोटिवेट इसलिए होता है क्योंकि तो जो परिस्थिति कठिन है उसका सामना करने की शक्ति तुम नहीं जुटा पा रहे हो और वो शक्ति तुम्हें तुम्हारी कार्यशैली से मिलेगी तो इसीलिए अगर तुम सोचते हो कि मुझे दस घंटे पढ़ना है तो उसको ग्यारह करो बारह करो चौदह करो जितना करना है उतना करो तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारी क्या लिमिट है तुम अपने दिमाग का एक प्रतिशत से भी कम यूज करते हो जिस दिन तुम्हारा दिमाग एक परसेंट यूज होने लग गया पूरे विश्व के सबसे इंटेलिजेंट आदमी तुम होंगे तो दिमाग की किसी में कोई कमी नहीं है पर उस दिमाग को कितना यूज करना है उस तरीके की कमी है तो उस चीज को बढ़ाओ अपने माइंड की और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ चलिए तो चलिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करते हैं और वो है इरावदी डॉल्फिन इरावदी डॉल्फिन जो है वह चिलिका लेक में मिलती है यानी कि यह खारे पानी वाली डॉल्फिन होगी जबकि जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है वो मीठे पानी वाली डॉल्फिन होती है तो ध्यान रखिएगा चिलिका झील में अभी हुई डॉल्फिन की जनगणना और इसीलिए यह रही न्यूज में और जनगणना के अंदर एक विशेष तकनीक का यूज किया गया जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोन निगरानी तकनीक कैसे हुआ इसका यूज तो देखो बच्चों क्या होता है डॉल्फिन्स जो होती हैं वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से अपना पूरा कार्य अपना पूरा श्वसन अपने अंगों का कार्य नहीं कर पाती है इसीलिए डॉल्फिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद में पानी की सतह पर आती है गोता लगा के फिर जाती है और जब डॉल्फिन नीचे से पानी की सतह पर आएगी और फिर नीचे जाएगी तो पानी के अंदर हलचल होगी और जब पानी के अंदर हलचल होगी तो कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो उन पानी की आवाजों को कैप्चर कर लेती हैं और उन्हें कैप्चर करने से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी डॉल्फिन आपके समुद्र में या झील में है तो इसी टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोफोनिक हाइड्रोफोनिक मॉनिटरिंग टेक्निक तो ध्यान रखिएगा इसे ही क्या कहेंगे हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक तो चिलिका झील में हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक से क्या हुई जनगणना हुई और हमारे काफी इंटरेस्टिंग स्पीशीज है इरावदी डॉल्फिन अक्सर प्रिलिम्स में क्वेश्चन कई बार आए हैं कि इरावदी डॉल्फिन और गेंगेटिक डॉल्फिन में क्या क्या अंतर है तो देखिए इरावदी डॉल्फिन जो है वह संकटग्रस्त है आयु की लिस्ट में क्या है यह संकटग्रस्त है इरावदी डॉल्फिन एक खारी पानी की डॉल्फिन है तो कहां कहां मिलती है हमारे इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय क्षेत्रों में मिलती है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया ध्यान रखेंगे कहां मिलेगी साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के तटों पर मिलेगी कौन कौन सी नदियों में मिलेगी तीन नदियों में इरावदी डॉल्फिन है तो इरावदी नदी यानी म्यांमार तो इरावदी नदी यानी म्यांमार में मिलेगी ऐसे ही चीन की एक फेमस नदी है मैकोंग रिवर तो मैकोंग रिवर में भी मिलेगी और हमारे पास में महाकम इंडोनेशिया ठीक है हमारे पास में जो महाकम नदी है इंडोनेशिया यहां पर भी मिलेगी तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर मिलेगी आपके मैकोंग महाकम और इरावदी में आयुसीएन की लिस्ट में यह एंडेंजर्ड है संकटग्रस्त है और मेनली भारत में कहाँ मिलती है चिलिका में तो चिलिका के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है इरावदी डॉल्फिन की ठीक है चिलिका में क्या होती है आपके लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की इरावदी की तो ये चीज ध्यान रखिए और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं इरावदी के बारे में जैसे कि चिलिका झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो चिलिका देखो हमारे ये रही ये यहां पर आपका आ जाएगा उड़ीसा और ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा चिलिका झील है तो ये पूरा पार्ट आपका चिलिका झील हो जाता है तो इस चिलिका झील के जो कि एशिया का सबसे बड़ा लगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लगून है काफी सारे लगून यानी आर्द्र है तो काफी प्रवासी पक्षी भी यहां पर आएंगे तो सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी यहां पर ही आते हैं और खासकर बहुत सारे ऐसे जानवर और पेड़ पौधे जो कि बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर हैं बहुत ही ज्यादा संकटग्रस्त हैं वो आपको चिलिका झील में देखने को मिलेंगे साथ साथ दोस्तों इरावदी डॉल्फिन के बारे में तो हम जानते ही हैं पर आपके ध्यान रखिएगा चिलिका झील जो है वह रामसर कन्वेंशन में भी है उन्नीस के अंदर चिलिका झील रामसर कन्वेंशन के अंदर आ चुकी थी और एक इंपोर्टेंट वेटलैंड इसे घोषित कर दिया गया था ध्यान रखिएगा चिलिका झील जो है पहले आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी थी किसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर भी थी क्या होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बच्चों आपका जो रामसर कन्वेंशन है रामसर अभिसमय है उसके अंदर विश्व की जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमिया उन्हें रखा जाता है पर उन आर्द्र भूमियों में से भी कुछ आद्र भूमिया होती हैं जो कि मानव जनित कारणों की वजह से बहुत तेजी से संकटग्रस्त हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी आद्र भूमिया होंगी जो कि मानव जनित कारणों की वजह से बहुत तेजी से जिनका क्षय हो रहा है बहुत तेजी से नष्ट होती जा रही हैं। तो ऐसी आद्र भूमियों पर एक विशेष निगरानी की जरूरत है तो इनका एक अलग से रिकॉर्ड बनाया जाता है यानी कि वो सभी साइट्स जो कि रामसर कन्वेंशन में हैं, उनमें से वो महत्वपूर्ण साइट जो कि मानव जनित कारणों की वजह से बहुत तेजी से नष्ट हो रही हैं, उनको निकालकर एक अलग से रिकॉर्ड में रखते हैं जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और उसी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की चिलिका झील भी थी एक वक्त था जब भारत की चिलिका झील भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में थी पर अब ये भारत की चिलिका झील मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि यह पहले थी इसमें नीचे गाद जमा हो गई थी उस गाद को साफ करवा दिया गया और फिर अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकल चुकी है पर रामसर साइट में है और अभी भारत की दो चीज दो साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है एक है लोकतक झील मणिपुर जो कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जहां पर फुमडी नाम की वनस्पति पाई जाती है और उसकी वजह से वो तैरता हुआ है कुछ विशेष जीव जंतु भी मिलते हैं जैसे कि संघाई वगैरह भी मिलते हैं बहुत छोटी सी प्रजाति है सुअर की तो ये सब चीजें लोकतक झील मणिपुर में मिलती हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐसे ही केवला देव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर राजस्थान में है वह भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है और वहां पर साइबेरियन क्रेन और काफी इंटरेस्टिंग पक्षी आते हैं पहले यह भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में थी चिलिका अब नहीं है रिकॉर्ड के अंदर और यहीं पर चिलिका में एक द्वीप है में एक द्वीप है जिसका नाम है सतपाड़ा द्वीप और वहां पर मिलती है एराविदी डॉल्फिन तो कौन से द्वीप पर मिलती है सतपाड़ा आइलैंड पर यह मिलती है और ऐसे ही चिलिका झील में एक मंदिर भी है कौन सा मंदिर है कालीजाई मंदिर जो कि इसी सतपाड़ा द्वीप पर स्थित है इसी सतपाड़ा द्वीप पर क्या है कालीजाई मंदिर भी स्थित है तो इसे भी ध्यान रखिएगा तो यह भी काफी इंटरेस्टिंग चीज आप सभी के लिए हो जाती है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं वक्त काफी हो गया है बाकी कुछ और भी स्पीशीज हैं और भी चीजें हैं जिन्हें हमें जानना है पर उन्हें हम कल करेंगे तो, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन गाइस तो कल भी आपका सेशन होगा है ना तो काफी चीजें हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं और भी आपके लिए सेशन लाता रहूंगा पीडीएफ आपको संडे से पहले पहले साइंस एंड टेक की और एनवायरमेंट की दोनों की मिल जाएगी इकोनॉमी की काफी पीडीएफ्स मैं आपको दे चुका था तो वो भी चीजें हो जाएंगी क्योंकि अभी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास ऑब्वियसली रात भी काफी कम पड़ेगी पर अभी इतना ही करते हैं थैंक यू एवरीवन और गाइस अनकेडमी के जो ऑफर्स हैं वो सुबह तक रहने वाले हैं अभी तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो क्योंकि हम और हमारी टीम अब आप सभी को अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि कई बच्चों को पता है हमने दो बार यूपीएससी के इंटरव्यू भी दिए हैं मैंने चार बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है स्टेट पीएससी भी क्वालिफाई किया है तो बिल्कुल अब मैं कोशिश करूंगा आपको कि बिल्कुल एक एक चीज आपको इस लायक मिले एक एक कंटेंट आपका ऐसा हो जो बिल्कुल यूपीएससी के लिए हो बिल्कुल शानदार मटेरियल आपको मिले कोई फालतू की चीज नहीं ये नहीं कि खूब सारा कंटेंट भर दिया और काम का कुछ नहीं है जो सीधी सीधी बात और बिल्कुल टू द पॉइंट चीज वो अब हम करने वाले हैं तो दस अक्टूबर को हमारा प्रलिम्स है इस बार हर बच्चे का प्रिलिम्स निकलना चाहिए इस बार शपथ ले लो कि हिंदी मीडियम का प्रिलिम्स का रिजल्ट इंग्लिश मीडियम से शानदार होगा क्योंकि तो देखो बच्चा जितना ज्यादा हिंदी मीडियम का बच्चा प्रिलिम्स से पास होगा उतना ही मेंस में रिजल्ट दिखाएगा अब तुम तो मेंस तक पहुंचोगे ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे मैक्सिमम हिंदी वाल मीडियम वाला बच्चा प्रिलिम्स में ही अटक जाता है इस वजह से मेंस में और अटक जाएगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए ताकि हम शानदार तैयारी मीन्स की करवा सके और इस साल हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए तो इसीलिए सभी बच्चों का फिलिम्स रुके तो जितना रिवीजन करना है ना कर लो क्योंकि तो सिर्फ 700 सीटें हैं मेहनत तो बेटा करनी ही पड़ेगी है ना तो इसीलिए जी जान लगा दो और दिन रात मेहनत करके इस बार प्रीलिम्स नहीं अटकना चाहिए मैं आप सभी के लिए सी सेट की भी कुछ क्लासेस लेकर आऊंगा ताकि पिछले साल जो बच्चों के साथ समस्या हुई कि सी सेट अटक गया तो वो नहीं अटकेगा तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊंगा आप सभी के लिए ताकि सी सेट भी आपका आसानी से निकल जाए है ना तो वो भी बहुत जल्दी प्लान कर रही है हमारी टीम तो वो भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल होगा बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर शर्मा सर ऑफिशियल यूपीएससी चैनल को ज्वाइन करें और उसे सर्च कर सकते हो एट द रेट एस एस लाइव यूपीएससी से ठीक है टेलीग्राम के सर्च पर जाइए और एट द रेट एस एस लाइव यूपीएससी को सर्च कीजिए एंड गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर एवरी वीडियोज तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज Have a good night and please stay safe, stay home and happy learning to all of you.